पंचायत चुनाव परिणाम भाजपा के पक्ष में मिले जनादेश ने उत्साहित भाजपा कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीणों जनों ने मकराना भाजपा कार्यालय में जीत का जश्न भी मनाया। ग्रामीण क्षेत्रों में ढोल बाजे और डीजे की धुन पर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर जीत का इजहार किया। भाजपा के शानदार प्रदर्शन से गदगद विधायक रूपाराम मुरवातिया ने जीते प्रत्याशियों का स्वागत किया। चुनाव परिणाम पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के पक्ष में आए परिणामों को राज्य सरकार की विफलता करार दिया। मुरवातिया ने कहा कि राज्य में जिस दल की सरकार होती है पंचायत और निकायों में उस पार्टी के प्रतिनिधि चुने जाते हैं, लेकिन पहली बार जनता ने सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ भाजपा को जनादेश दिया। विधायक मुरवातिया ने पंचायत चुनाव में मिली जीत पर कार्यकर्ताओं को भी बधाई दी। उनकी मेहनत से ही पार्टी को जीत मिली है। मुरवातिया ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन गेसावत ने सभाओं में मुझ पर कई व्यंग्य एवं कमेंट किए और कहा कि कांग्रेस की सरकार है विधायक मुरवातिया के चलते नहीं भाजपा में अंतर्कलह है। भाजपा की इस चुनाव में करारी हार होगी और कांग्रेस 20 से अधिक सीट हासिल कर अपना प्रधान बनाएगी। मगर जनता ने गेसावत के बड़े बोल को नए सिरे से खारिज किया और भाजपा के पक्ष में जनादेश देकर कांग्रेस को उसकी असलियत का आईना दिखा दिया। मंडल चुनाव जीते पूर्व उप प्रधान ओंकार सिंह किरडोलिया ने पूर्व प्रधान हिम्मत सिंह राजपुरोहित को पराजित किया था। ओंकार सिंह ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व प्रधान राजपुरोहित पर जातिवादी की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा जनता अब सब समझ चुकी है, शिक्षित युवा जातिवाद से ऊपर उठकर विकास की सोच रखते हैं। चुनाव जीतने वाले प्रेम प्रकाश मुरवातिया ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जनता कांग्रेस सरकार के 2 साल के शासन से ऊब चुकी है। चुनाव परिणाम के बाद विधायक रूपाराम मुरवातिया की एक फोटो खूब वायरल हो रही है, जिसमें विधायक कांग्रेस को ढूंढते नजर आए और फोटो के नीचे मारवाड़ी शब्दों में लिखा है, कठिन गई आ कांग्रेस। जनता ने इस फोटो को सोशल मंच पर बड़ी तरजीह दी है। कुल मिलकर पंचायत चुनाव में कांग्रेस की करारी हार को लेकर बीजेपी नेता जबरदस्त उत्साहित है। बीजेपी के लिए पंचायत चुनाव इस मायने में महत्वपूर्ण है कि शहरों में उसका प्रभाव है और गांव में पार्टी का जनाधार कम है। अब पंचायत चुनाव में मिली जीत बीजेपी के उत्साह को चरम पर पहुंचा रही है। राज्य के पंचायत चुनाव में मिली जीत को प्रदेश बीजेपी नेता केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के गांव गरीब किसान के लिए किए जा रहे कार्यों की जीत बताकर वहीं राज्य सरकार की कांग्रेस सरकार से इस्तीफा मांग रहे हैं। नारा लगो चुनाव में माहौल वार्ड नंबर तेईस है। भाजपा की टिकट से जीते प्रत्याशी से मुस्कुराहट बता रही है कि चेहरे की क्या कहना चाहोगे सर, आपकी जीत को किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या जनता को संदेश दोगे? मेरी ये राजनीतिक में पहला चुनाव लड़ा और मैं वार्ड नंबर 23 से जीता हूं और मैं इंदौका और दानणवा के सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने मुझे जीत का सौभाग्य दिया। प्रत्येक मतदाता का मैं बहुत बहुत मकड़ा पंचायत समिति के वार्ड नंबर 2 से भाजपा के उम्मीदवार जो हैं बड़े प्रसन्नचित मुद्रा में है और अपनी जीत की ओर आश्वस्त हैं। अभी तीसरे राउंड में जो गेम चल रहा है कांग्रेस बीजेपी के बीच में, कैसी कैसी थी सर आपकी? देखो, मेरे को लग रहा है मैं चुनाव निकालूंगा और भारतीय जनता पार्टी का प्रधान बनेगा मकराना विधानसभा क्षेत्र में, और मैं आशा करता हूं कि प्रधान बीजेपी का बने ताकि जो कांग्रेस का 2 साल का कार्यकाल रहा जिसमें बिजली के बिल है वो बढ़ोतरी हुई है। अभी तो ज़्यादा सीटों पे कांग्रेस पीछे चल रही है, बीजेपी पीछे चल रही है। देखो, आने वाला टाइम है वो बिल्कुल बीजेपी के पक्ष में आएगा और बीजेपी कौन कौन सी सीट है जिसमें आप सोचते हैं कि इस पे 100% बीजेपी ही की जीत होगी 25 में? देखो, मैं तो 25 की 25 बीजेपी को मानता हूँ कि वो जीतेगी और बढ़िया मार्जिन से जीतेगी और जनता का मानस बना लिया है 2 साल के अंदर के कांग्रेस को हरा के वापस बीजेपी कर। आप अपनी कितने वोटों से लीड मान रहे हैं? मैं कम से कम मेरे 700-800 वोटों से अभी जैसे सूचना मिल रही है 300 वोटों से मैं आगे चल रहा हूँ और आने वाला टाइम में। क्या नाम आपका? उदम मेघवाल। बीजेपी टिकट से आप जीत के आए हो? हाँ। बड़े खुश नजर आ रहे हो आज आप। हाँ। तो क्या कहना चाह रहे हो जनता को, क्या कहना चाह रहे हो क्षेत्र विकास के लिए, आपकी क्या योजना है?
विकास कराऊंगा सात गांव का, पूरे सात गांव का विकास। कांग्रेस की बन गई है, हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब दो साल से प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में हर गरीब हर किसान की आवाज उठाते हैं और 24 घंटे आप देखिए अभी 8 महीने से कोरोना का ट्रेंड चल रहा है, वीसी के माध्यम से मीटिंगें लेते हैं अधिकारियों से संबंधित मंत्रियों से, ऐसा नहीं हो कि कोरोना को लेके प्रदेश का विकास रुक जाए, वहां विकास की धीमी गति जरूर हुई है कोविड को कोरोना को लेके, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री रात दिन ये सोचते हैं किस तरह से अभी बीच के अंदर लॉकडाउन लगा था, हर गरीब किसानों के घर पे गेहूं जीत के आए हमारे ओका सिंह गिरौलिया जो बीजेपी के टिकट से हैं और बड़े दिग्गज को आकर के सामने आए, क्या कहना चाहोगे साहब? दिग्गज कोई नहीं होता, जनता जनार्दन दिग्गज होती है, जिसको जनमत मिल जाए उसकी जीत निश्चित होती है। कांग्रेस से जो मेरे सामने उम्मीदवार थे उन्होंने केवल एक जाति विशेष के खिलाफ राजनीति की है, न कि विकास की राजनीति, इसलिए जनता ने उनको मुंह तोड़ करारा जवाब दिया। मैं मेरे 15 नंबर वार्ड और मकराना पूरी पंचायत समिति क्षेत्र की जनता को दिल से धन्यवाद देता हूँ।